पूरी स्टोरीज ले चले दोबारा से दोबारा। 19वीं शताब्दी से पहले कौन था? जल्दी, 19वीं शताब्दी से पहले क्या था? स्वतंत्र। दलाई लामा 1904 में रशिया बढ़ा, क्या लगा लॉर्ड कर्जन को, यंग हस्बैंड को भेजा, यंग हस्बैंड से मिलकर 1906 में तिब्बत चाइना को दे दिया गया, 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, तीनों लोग आए, तीनों ने एग्रीमेंट पे साइन करे, इनर तिब्बत, आउटर तिब्बत, आउटर तिब्बत की रेखा अक्साई चीन लद्दाख से छू रही है लेकिन उसका मैटर सॉल्व नहीं हुआ। 1933 केएमटी पार्टी, केएमटी पार्टी ने क्या कोशिश की, पूरी तरीके से ग्रेप कर ले, हुआ क्या नहीं। 17 साल बाद 1950 1 जनवरी को प्रॉमिस किया चाइना ने मैं अटैक नहीं करूंगा, लेकिन 7 अक्टूबर 1950 को चाइना ने अपने वादा तोड़ा, चाइना रॉक इंडिया शॉक, पूरी तरीके से चाइना ने 1951 में एक संधि हुई, पूरा का पूरा तिब्बत। और बाद में दलाई लामा इस मैटर को लेने गए यूनाइटेड नेशन, कहां पे लेके जाएंगे, लेकिन उसका एक मेंबर कौन है, परमानेंट, पूरी तरीके से 1954 तक आ गए थे, 1957 तक आ गए थे, अब 1957 पे आओ कि इंडिया और चाइना के रिलेशन में दरार आना शुरू हुई, उसका एक मेन कारण क्या था, कोई बता सकता है? बॉर्डर इश्यूज तो थे लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक कोई चीज बताइए, कर लेंगे। तो 1956-57 से इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशन खराब करना स्टार्ट हुए, क्योंकि पीकिंग नामक शहर के पिक्टोरियल नामक अखबार ने 1955-56 में अखबारों में कुछ ऐसी तस्वीरें निकाली कि इंडिया पूरी तरीके से शॉक हो गया। जब पिक्टोरियल पीकिंग अखबार में इंडिया ने चाइना की तस्वीरें देखी तो अक्साई चिन्ह का क्षेत्र भी चाइना में बताया गया था, और वो पूरा क्षेत्र भी किसमें बताया गया था। अब अपन एक और चीज लिखते हैं इसमें और ज्यादा एनर्जी लाने के लिए, आपको 3 पॉइंट लिखा रहा हूं, लिखो पहले वो, लिखो बॉर्डर इश्यूज, बॉर्डर इश्यूज, हमारे और चाइना के 3 बॉर्डर इश्यू हैं, उनको समझ लो पहले, हमारे और चाइना के 3 मेन बॉर्डर इश्यू हैं, उनको समझ लो, लिखिए 3 मेन बॉर्डर इश्यू हैं, उनको लिखिए। वेस्टर्न रीजन पश्चिमी क्षेत्र, वेस्टर्न रीजन पश्चिमी क्षेत्र, मिडिल रीजन मध्य क्षेत्र, मिडिल रीजन मध्य क्षेत्र, ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट मतलब पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न पार्ट। अभी आपको इससे और ज्यादा समझ में आने लगेगा। तो वेस्टर्न रीजन में हमारे साथ चाइना के साथ काय काय की प्रॉब्लम है, अक्साई चिन्ह की और लद्दाख की, क्लियर। पश्चिमी भाग में कौन सी प्रॉब्लम है हमारा, एक तो अक्साई चिन्ह की और एक, अब आप सोच रहे होगे सर वो पश्चिम में कह रहा, तिब्बत को बीच में मानना है तो वो पश्चिम में आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो वो तो और कहीं आएगा ना, नॉर्थ ईस्ट में आएगा ना वो तो एक तरीके से, लेकिन तिब्बत को सेंटर मानेंगे तो ये आएगा ना, तिब्बत को सेंटर मान के। तो वेस्टर्न रीजन में क्या क्या है, अक्साई चिन्ह और लद्दाख। मिडिल रीजन में क्या है, छोटे छोटे से विवाद है, इतने बड़े विवाद नहीं है, उत्तराखंड हुआ, सिक्किम हुआ, वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश हुआ, छोटे छोटे विवाद है, मिडिल पार्ट इतना ज्यादा विवादित नहीं है। ईस्टर्न पार्ट मैंने आपको बताया था, नेफा अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा, अरुणाचल प्रदेश का मेन विवाद है, अरुणाचल प्रदेश ये इसका ही नाम है, अरुणाचल प्रदेश का ही। अब इन तीनों में से सबसे बड़े दो विवाद कौन से, फर्स्ट और थर्ड, आ गया समझ में, इन तीनों में से सबसे बड़े विवाद कौन से, फर्स्ट और थर्ड। मैप में याद आ रहे हैं कि नहीं, अक्साई चिन्ह कहां पे, लद्दाख कहां पे है, नेफा कहां पे, और दक्षिणी तिब्बत बोला था चाइना ने उसको, आया समझे। तो चाइना ने पिक्टोरियल अखबार ने पीकिंग नामक शहर में क्या किया 1954-55 में, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा किसका बताया उसमें, चाइना का। इंडिया का दिमाग खराब हो गया, जवाहरलाल नेहरू ने किसको फोन लगाया, चाइना को, चाइना से क्या बोला उन्होंने, ये क्या कर रहे हो। तो चाइना ने उस समय डिप्लोमेटिक आंसर देते हुए बोला, कोई बात नहीं, ये तो बहुत पहले की मैप है, बहुत पुराने मैप है, समय मिलने पे मैं इनको सुधार लूंगा, अभी मेरे से खुद मत बोलो, अभी मुझे विकास की ओर ध्यान देना। तो चाइना ने ये बोल के इंडिया को टाल दिया, इंडिया उनकी बात समझ नहीं पाया। 1956-57 में चाइना ने अक्साई चिन्ह में एक रोड बना दी, अक्साई चिन्ह से निकलती हुई एक रोड बना दी, अभी भी इंडिया को होश नहीं आया। 1959 में
रियल गेम स्टार्ट हुआ 1959 में। हुआ क्या, जब अक्साई चिन पे रोड बना दी, उसके बाद 1959 में कोंग का पास दुर्घटना हुई। कोंग का पास, कोंग का दर्रा में दुर्घटना हुई। हुआ क्या, ये जो कोंग का दर्रा है ना, दर्रा मतलब दो पहाड़ों के बीच का क्षेत्र है, कोंग का पास से एक दुर्घटना हुई। चाइना ने कोंग का पास में एंट्री ली और 8 भारतीय सैनिकों को मार दिया। चाइना का पहला एग्रेशन भारत की तरफ, 10 को बंदी बना लिया। और इसी समय तिब्बत ने विद्रोह कर दिया कि हम चाइना के खिलाफ लड़ेंगे। जैसे 1959 में दो इंपोर्टेंट घटना हुई, अब सारे डेवलपमेंट होंगे धीरे धीरे। कोंग का पास दुर्घटना और तिब्बत ने विद्रोह कर दिया। अब तिब्बत के विद्रोह को कुचलने के लिए चाइना ने कोशिश की, तो तिब्बत पे आक्रमण करा इन्होंने 1959 में। दलाई लामा और तिब्बत कहां की तरफ भाग गए, तिब्बत के लोग इंडिया की तरफ। तो आप क्या उनको बाहर भगा दे के दलाई लामा को यहां पर क्यों आ गए, या उनको शरण दे? हमारा तो शुरू से ही नारा है सर्वे अंतु सुखीना वसुदेव कुटुंबकम, उनको हमने शरण दे दी। चाइना ने बोला मेरे दुश्मन को तुमने शरण कैसे दे दी है, अब तक मेरा मामला था, अब तो मैं तुम पे भी आक्रमण करूंगा। दलाई लामा को शरण देना, कोंग का पास दुर्घटना होना, उसमें 8 लोगों को मरना, इसने इंडिया चाइना रिलेशन के सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन भारतीय सरकार अभी तक नहीं जागी कि इंडिया की थ्योरी क्या है, टेक्स्टुअल लिखी हुई ज्यादा है। हम अपने विरोधी को एनालाइज नहीं करते, कैसे भावुकता में भेजाते, कैसे 1757 में एक युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में कौन कौन थे, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, याद है कि नहीं, लिखो प्लासी के युद्ध रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है। कौन थे उस समय, मीर जाफर थे या मीर कासिम थे, मीर जाफर थे। मीर जाफर, क्या हुआ था, सिराजुद्दौला की जो सेना थी ना वो 4 भागों में बांटी गई थी और उसके 4 सेनापति थे, 4 में से 3 भ्रष्ट थे और अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। सिराजुद्दौला को यह बात पता लग गई थी कि 3 किससे मिले हुए हैं, अंग्रेजों से। तो सिराजुद्दौला ने क्या बोला, तुम तीनों कसम खाओ तुम मेरा साथ दो। ये कोई डिप्लोमेसी होती है क्या, ये कोई फॉरेन पॉलिसी होती है क्या? सिराजुद्दौला ने क्या बोला, तुम कसम खाओ, ये कोई फॉरेन पॉलिसी होती है क्या? तो ये जो वॉर हुआ था वो वॉर हुआ ही नहीं। 1757 के प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, सिराजुद्दौला उसकी सेना 4 लोग, 50,000 लोग, अंग्रेज 200, चारों सेनापति गए आगे बढ़े मारने के लिए अंग्रेजों को। जैसे ही वहां तक पहुंचे इस तरफ मुंह हो गया, सारे के सारे अंग्रेजों की टीम में मिल गए, समझ में आया ना, ये हुआ था। तो बैटल नहीं हुआ था, उसको बोला जाता है द नॉन बैटल ऑफ प्लासी। नॉन बैटल क्यों, वो कभी हुआ। तो इंडिया की डिप्लोमेसी कैसी रही, आया समझ में? चाणक्य को इंपोर्टेंस आज तक मेरे को समझ में नहीं आया, इंडिया चाइना को, इंडिया चाणक्य को इंपोर्टेंट उतना क्यों नहीं देता है। चाणक्य ने यह बात बहुत पहले बोल दी थी कि 2 आसपास के देश कभी भी मित्र नहीं हो सकते, या आपके पड़ोस का देश आपका अच्छा दोस्त कभी नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। इंडिया को सबसे करते हैं। दूसरी सेवे मीटिंग, ये आपको मैंने एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट बता दिए, मौका मिला। 5-6 चीजें याद कर लो आज की क्लास से। फ्यूचर हम कहां देखते हैं इंडिया का, 5 लाइनों में बताता हूं फ्यूचर कहां देखते हैं। पहली लाइन, यूरोपियन यूनियन के बहुत बुरे दिन है, पहली लाइन। दूसरी लाइन, अमेरिका के दिन बहुत अच्छे नहीं चल रहे अभी। तीसरी लाइन, हमको ये बेवकूफी होगी अगर हमारी, हम ये माने कि इंडिया सॉरी चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन कभी खराब होंगे, कभी नहीं होंगे। तीसरी लाइन हो गई। चौथी लाइन, इंडिया के पास पावर है, अपॉर्चुनिटी है, उसके पास मौका है यूनाइटेड नेशन में अपनी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य बनने की। पांचवी लाइन, ये 5 लाइन होनी चाहिए, समझ में आ रही कि नहीं आ रहा, ये 5 लाइन होनी चाहिए, ये है इंडिया का फ्यूचर। लेकिन क्या हम वाकई में देख रहे हैं? अभी तक इसमें एक प्रश्न लग रहा था, लेकिन मेरे को नहीं लगता 2014 में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है इतना संदेह किसी के मन। यूपीए ने कभी अपने शासनकाल में, आपने ध्यान दिया क्या, पिछले 10 सालों में 15 सालों में यूपीए ने कल्चर की ओर ध्यान दिया, दूसरे देशों की जब विजिट होती, जिस कल्चर को यूपीए में एक पता नहीं कहां की नीति माना जाता था उसको इंपोर्टेंट कल्चर, वही एनडीए ने अपनी इंपोर्टेंट नीति बनाई। जहां भी जाओ दूसरे के देश का सम्मान करो, पीपल टू पीपल कनेक्शन, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं
और इसके लिए देखो, सॉरी बड़ी तस्वीर नहीं, हमें बदलते परिदृश्यों की तरफ देखना चाहिए, ये लिखिए, हमें बदलते परिदृश्यों की तरफ देखना चाहिए। यूएस इज डिक्लाइनिंग कॉमा, अमेरिका विघटित हो रहा है, अमेरिका विघटित हो रहा है कॉमा, यूरोपियन यूनियन इज इन बेड शेप, यूरोपियन यूनियन के भी इतने अच्छे दिन नहीं है, याद है ना, क्यों नहीं है, यूरोपियन यूनियन के भी इतने अच्छे दिन नहीं है। अगला इसी में, द अलायंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान विल रिमेन फर्म, द अलायंस बिटवीन इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान विल रिमेन फर्म, चाइना और पाकिस्तान के बीच का गठबंधन अच्छा ही रहेगा, क्यों, किसी को याद है, जिसने मेरा लेक्चर पिछली क्लासेस ली हो याद कर लेना, साउथ चाइना सी क्राइसिस, और याद कर लेना सिल्क रूट, क्या है सर एंड मैम, चाइना सिल्क रूट दोबारा बनाना चाहता है जो बहुत पहले था, उस सिल्क रूट की रोड कहां से निकलती है, पाकिस्तान से, तो इनके बीच में हमेशा अच्छे संबंध रहेंगे, अभी ये समझ लो। अगला लिखो इसी में, यूएस प्रेजेंस इन ईस्ट एशिया विल बी इंडियाज इंटरेस्ट, यूएस एंट्रेंस इन ईस्ट एशिया विल बी इंडियाज इंटरेस्ट, अमेरिका का पूर्वी एशिया में प्रभाव, पूर्वी एशिया मतलब अमेरिका से पूर्व की तरफ हो गई, वैसे तो वो साउथ एशिया है लेकिन अमेरिका से देखूं तो कौन सी हो गई, पूर्वी हो गई, अमेरिका पूर्वी एशिया में अमेरिका का प्रभुत्व, इंडिया के लिए हमेशा एक जिज्ञासा का विषय रहेगा, एक जिज्ञासा का, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कल स्टिंग ऑफ पल्स नीति बनाई थी, बताई थी, तो अमेरिका ने भी अब चाइना पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया तो इंडिया के फेवर में तो है ना वो, तो इंडिया के विषय का हमेशा इंटरेस्ट रहेगा, आगे समझ में। अगला लिखो, ए परमानेंट सीट इन यूएन इज इंडियाज राइट, ए परमानेंट सीट इज इन यूएन इज इंडियाज राइट, संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी सदस्यता भारत का अधिकार है, स्थायी सदस्यता भारत का अधिकार है, बट इज इंडिया रियली लुकिंग एट दिस क्वेश्चन मार्क, पर क्या भारत वाकई में इन चीजों पे ध्यान दे रहा है, पर क्या भारत वाकई में इन चीजों पे ध्यान दे रहा है, ब्रैकेट द फैक्ट डैश, ब्रैकेट द फैक्ट डैश, आई इन इंडिया स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट द फैक्ट दैट, द ब्रैकेट द फैक्ट डैश, आई इन इंडिया stands for incremental, bracket close, I in India stands for incremental, bracket close, bracket हिंदी में bracket नहीं होगा, bracket डालो हिंदी में लिखो, एक तथ्य dash, भारत में आई incremental को दर्शाता है, incremental को दर्शाता है, बहुत बड़ी बात बोली मैंने आपसे भी।